दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। आप सभी का स्वागत है गणेश टेक यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि अगर आप स्क्रीन में ले जाके किसी भी व्यक्ति को कुछ समझाना चाहते हो तो बड़ी ही आसानी से आप मोबाइल स्क्रीन में ले जाके किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बना के लोगों को समझा सकते हैं। इसी टॉपिक पे ये वीडियो है दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में है। तो आप लोगों को पूरा देखना चाहिए और तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और पूरा देख के ही आप समझ पाओगे कि मैं कौन कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूँ। ये देखिए, एंड्रॉयड में ही सारे चीज़ है दोस्तों। एंड्रॉयड में आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर आप लोगों से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और लेके चलूँगा मोबाइल स्क्रीन में। सारे चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक मोबाइल स्क्रीन में हम लोग सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। और बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी प्रकार का टॉपिक भरी वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा इसलिए। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर देना यार, प्लीज़। और एक चीज़ आज से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। मेरा यूज़र आईडी है GaneshTech95, ठीक है दोस्तों, तो इंस्टाग्राम में ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेके चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मोबाइल स्क्रीन में देखिए, मैं आज आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो कौन सा बेस्ट रहेगा ये दोस्तों, तीनों के तीनों बेस्ट हैं। मैं तीनों ही प्रयोग करता हूं अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने YouTube वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो तीनों ही तीनों ज़बरदस्त ऐप है दोस्तों, आप लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो ये तीनों ऐप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सॉरी। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ प्ले स्टोर में ले जाके। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर में। आपको भी प्ले स्टोर में आना है दोस्तों, उसके बाद में सर्च बार में लिखेंगे आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर जैसे ही आप सर्च करोगे ये आ जाएंगे। और देखिए, मैं जो अभी आप वीडियो देख रहे हो इसी ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि नाम है इसका एमोनीजेन करके लिखा हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड। आप लोग देख सकते हो ये ऐप है, इसी से अभी फ़िलहाल में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरा है दोस्तों जो कि मैं यूज करता हूँ, ये ऐप है स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड यूआर स्क्रीन। ये है, आप लोग इस ऐप से आप अपना फेस को भी दिखा सकते हैं और बड़े ही आसानी से किसी को समझा सकते हैं, वो भी YouTube वीडियो बनाने के लिए। और वो भी स्क्रीन में आपका शक्ल भी देखेगा और बड़े ही आसानी से किसी को आप बोल बोल के भी समझा सकते हैं। तो ये है दोस्तों दो एप्लीकेशन। और दूसरा एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास वीवो Y15 मोबाइल फ़ोन है या तो वीवो का कोई भी मोबाइल फ़ोन है, तो आप बड़े ही आसानी से अपने स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं बड़े ही ईजिली। देखिए, मेरे पास वीवो का फ़ोन है, वीवो Y15 मोबाइल फ़ोन है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ गया दोस्तों, ये ऊपर में सबसे ऊपर कैमरा दिख रहा है। आप इसको जब भी क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा, और कुछ भी टॉपिक आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके समझा सकते हैं और YouTube वीडियो बना के बड़े ही आसानी से डाल सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, कितने आसानी से मैंने बता दिया आप लोगों को, तीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के माध्यम से आप अपना YouTube वीडियो को रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचा सकते हो। देखिए, ये तीनों ही ऐप बड़ी ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहो तो बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इन ऐप को यूज करने आप लोगों को नहीं आता या तो यूज करने आता है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को एक एक ऐप के बारे में रिकॉर्ड करके आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक ऐप के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि इस SCR ऐप है, जो इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, इसको जब आप खोलोगे तो इस प्रकार का आइकन इसका आ जाएगा, तो ऊपर सबसे ऊपर कैमरा का आइकन दिखेगा, फिर तीन डॉट, फिर सेटिंग, फिर एग्जिट। तो यहाँ पे तीन डॉट के आइकन पे जाना है। जैसे तीन डॉट के आइकन पे जाओगे तो इस प्रकार से इसका आइकन खुल जाएगा। ऐसे आइकन खुलने के बाद दोस्तों ये कैमरा वाला आइकन आ रहा है, कैमरा वाला आइकन पर हमें क्लिक करना है।